जनता के बीच में जनता का विषय किस तरीके से उठाया जाए इसका भी थोड़ा अध्ययन करने की आवश्यकता है। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं नर्सिंग घोटाले की। यहां जितने लोग हैं उनमें से कोई है क्या नर्सिंग घोटाले का प्रभावित व्यक्ति? नहीं। जब तक प्रभावित लोग आपके आंदोलन में शामिल नहीं होंगे तो आपका आंदोलन चलेगा कैसे? हमारे युवक कांग्रेस बच्चे आ जाते हैं, हम बूढ़े आ जाते हैं, लेकिन नर्सिंग घोटाले में जिनके इम्तिहान हो गए उनकी नियुक्ति नहीं हो रही है, फर्जी दुकानों में नर्सिंग कॉलेज खुल गए और फर्जी फैकल्टी आ गई, उसके बारे में हमारी क्या युवक कांग्रेस एनएसयूआई बच्चों को जानकारी है भी कि नहीं है? आरएसएस प्रत्याशी को हम उसके घोर विरोधी हैं, लेकिन वो माइंड गेम खेलते हैं दिमाग। वो ना कभी आंदोलन करेंगे, ना प्रदर्शन करेंगे, ना कभी डंडे खाएंगे, ना कभी जेल जाएंगे, लेकिन हम लोग को जेल जरूर भिजवाएंगे। इसलिए आज आपको संकल्प लेना चाहिए। पहली बात तो यहां पे युवक कांग्रेस को नीचे तक संगठन ले जाने की आवश्यकता है। रजक जी, आपके पास ब्लॉक का युवक कांग्रेस अध्यक्ष हैं? बनाने हैं, बना ले, आधे बना ले, पूरे नहीं बने। हाँ ठीक। अब ब्लॉक से नीचे मंडल, मंडल तो बने हुए हैं, वहां बनाने हैं। सेक्टर, फिर बूथ। जब जमीन पर आपका संगठन नहीं है तो ऐसे आंदोलन प्रदर्शन से अपना असर नहीं होगा। इसलिए बेटा पहले संगठन तैयार करो और संगठन तैयार करके फिर एक प्रोग्राम दो कि अगले एक महीने तक हर बूथ पे हमारा प्रदर्शन कौन करेगा? भाई बूथ के लोग करेंगे और फिर वो होगा ब्लॉक स्तर पर और फिर होगा जिला स्तर, ठीक है ना? इसलिए आप सबको मेरी प्रार्थना है, जितने युवक कांग्रेस के पदाधिकारी हैं तय कर लो कि जबलपुर में जितने भी नर्सिंग घोटाले से प्रभावित परिवार हैं, जितने भी नीट के घोटाले से प्रभावित परिवार हैं, उनका फोन नंबर, उनका पता लो और घर घर जाकर उनसे चर्चा करो। आरएसएस क्या करती है? तीन चीजें करती है, पर्चा बांटो, जब बट गया फिर करो चर्चा, ठीक है ना? उसके बाद करो खर्चा। खर्चा जो आंदोलन के लिए खर्चा होता है ना, ये आखिरी में, पहले पर्चा, फिर चर्चा और फिर खर्चा। संघियों से लड़ना है तो संघियों को उन्हीं के तरीके से मारो। मारो मतलब फिजिकली मत मारो, फिजिकली नहीं, बौद्धिक रूप से, विचारों से, मेंटली। और जब तक उनके साथ मेंटली तैयारी नहीं करोगे हम लोग उनसे नहीं जीत सकते। वे लोग बड़े चतुराई से आपके घर आएंगे और कहेंगे, हुजूर आप तो बड़े अच्छे व्यक्ति, महान व्यक्ति, तुम बड़े अच्छे युवा हो, प्रतिभाशाली हो। कहां युवक कांग्रेस में फंसे हुए, युवा बोलते हैं, तुमको ये भी देंगे वो भी देंगे। अब हमारे नौजवान लोग हैं, उनके परिवारजन भी कहते हैं कि तुम जाते हो एनएसयूआई में, जाते हो डंडे खाते हो, तुम पर केस लग जाता है, तुम नौकरी क्या करोगे, क्या कर पाओगे? इसलिए हमको अपने
जो एजुकेशनल प्रोग्राम है उसमें भी थोड़ा सोच विचार के अब काम करना है। आप सहमत हैं मेरी बात से?